नमस्ते, माय नेम इज परम। माय डियर फ्रेंड, यदि आप नेगेटिविटी या एंजाइटी से परेशान हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। पहले हम समझते हैं कि ऐसा हमारे साथ में क्यों होता है। ये सिर्फ हमारी अनऑर्गेनाइज थिंकिंग की वजह से होता है। जब लंबे समय तक हमारी थिंकिंग अनऑर्गेनाइज रहती है तो इससे हमारे माइंड का फोकस डिस्टर्ब हो जाता है, और जैसे ही माइंड का हमारा फोकस डिस्टर्ब होता है तो हमारा माइंड हमें वो चीज़ें दिखाने लगता है जहाँ से नेगेटिविटी पैदा होती है। जैसे कि वो आपको आपके जीवन में आपकी असफलताएँ दिखाएगा, आपने क्या खोया दिखाएगा, आपने क्या गलत किया वो लगातार आपको दिखाता रहेगा। आपका फोकस सिर्फ यहाँ पर बिगड़ा है। इतना ही नहीं, वो आपके आसपास के लोगों ने क्या कुछ आपके साथ में गलत किया, उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या दुख परेशानी चिंता उन्होंने आपको दी, वो लगातार उनको बढ़ा चढ़ा करके आपको दिखाता रहेगा। बात यही खत्म नहीं होगी, आसपास देश दुनिया और समाज में क्या कुछ नेगेटिव चल रहा है लगातार वो उसी के बारे में आपको दिखाता रहेगा, उसी तरह के लोगों से या न्यूज़ से आपको जोड़ता रहेगा। यहाँ पर आपका थिंकिंग पैटर्न लंबे समय तक नेगेटिव चलता है, जिससे फोकस आपका बिगड़ा रहता है। इसी की वजह से आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस भी नेगेटिव हो जाते हैं, और लंबे समय तक जब ऐसा चलता है तो इससे आपको मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से कष्ट पैदा होता है, और इसी में से आपका पैनिक या एंग्जाइटी पैदा होती है। लेकिन आप इससे जरा सी अवेयरनेस से निकल सकते हैं। यदि लंबे समय तक आपके साथ या किसी के साथ ऐसा चल रहा है तो आप उसे देखेंगे, उसकी फिजियोलॉजी भी पूरी तरह से नेगेटिव होगी। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी, कंधे झुके होंगे, पलकें उसकी नीचे रहेंगी, उसकी श्वास अक्सर छोटी मिलेगी। इसका मतलब अब शरीर और माइंड दोनों मिलकर के उस माहौल को पैदा कर चुके हैं, और उसमें से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी अवेयरनेस या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने होंगे, वरना आपको दवाइयों का सहारा जीवन भर लेना पड़ेगा, शायद राहत फिर भी मिलने वाली नहीं है। इससे बाहर निकलने के लिए कुछ आसान से तरीके मैं अब आपसे शेयर करता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको अपने फोकस को करेक्ट करने के लिए, अपने थिंकिंग पैटर्न को राइट करने के लिए थोड़ी सी आपको इनर पावर की जरूरत है। उसके लिए सबसे पहले आप अपनी फिजियोलॉजी को करेक्ट करें। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कंधे आपके झुके ना हो, आपकी पलकें नीचे ना हो। इसका मतलब आपकी सांस अब गहरी और लंबी चलनी चाहिए। नहीं चल रही है तो अवेयरनेस से आप अपनी श्वास को गहरी और लंबी करें। यहीं पर आपके अंदर एक पावर जनरेट होगी, जिसकी वजह से आप अपने थॉट प्रोसेस या आप अपने फोकस को चेंज कर पाएंगे। अब आप थोड़े से एफर्ट्स के साथ में कुछ दिन अपने आप को लगातार अपने जीवन की सफलताएं दिखाएंगे, क्या पाया आप दिखाएंगे, आपके आसपास के लोगों ने क्या सहयोग दिया है वो आप दिखाएंगे, यूनिवर्स ने, परमात्मा ने क्या कुछ आपको दिया हुआ है वो लगातार आप अपने आप को याद दिलाएंगे। क्योंकि जब फोकस हमारा खराब हो जाता है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो यूनिवर्स या परमात्मा ने क्या हमें नहीं दिया इसके बारे में ज़्यादा बात हमारा माइंड करने लगता है, हम उससे परेशान हो जाते हैं। आप कुछ दिन लगातार ग्रेटिट्यूड में रहें। कुछ तो आपके पास है, बहुत कुछ आपके पास ऐसा है जो किसी की आज भी तमन्ना है, लगातार आप उसे दिखाते रहें, बताते रहें। जैसे ही कुछ दिन अवेयरनेस के साथ में आप अपनी फिजियोलॉजी को, अपनी ब्रीदिंग को और अपने माइंड के फोकस को पॉजिटिविटी पर रखेंगे, तो कुछ दिन के बाद में आपके पुराने थिंकिंग पैटर्न खत्म होने लगेंगे, नए थिंकिंग पैटर्न डेवलप होने लगेंगे। साथियों, शुरू में कुछ एफर्ट्स के साथ में कुछ काम हमें करने होते हैं, फिर ये अपने आप होने लगते हैं। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका माइंड अब पॉजिटिविटी क्रिएट करने लगा, पॉजिटिविटी रेडिएट करने लगा। क्यों? क्योंकि आपका फोकस अब पॉजिटिव पर है। वो अब आपको आपके अचीवमेंट्स, आपकी सफलताएं, आसपास के लोगों का सहयोग, इस देश दुनिया में कितना अच्छा है, परमात्मा ने कितना कुछ आपको दिया है, हर बार आपको वही बातें याद दिलाएगा, जिसकी वजह से आपकी वाइब्रेशंस, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, आपके रेडिएशंस चेंज होंगे, आप पॉजिटिविटी रेडिएट करेंगे, पॉजिटिव लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे, आपका नेगेटिव वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में अब आप अपने आप से सवाल पूछिए कि इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, पृथ्वी पर आप जाने से पहले इसे आप क्या कुछ देकर के जाना चाहते हैं। आप अपने जीवन का मिशन, विजन या पर्पस सेट करें।
उसे सेट करने के बाद में हर दिन आप विजुलाइज करें कि आप अपने मिशन पर, अपने विजन पर, अपने पर्पस को पूरा करते हुए, जीते हुए, चलते हुए, काम करते हुए देखिएगा। आप कुछ दिन के विजुलाइजेशन के बाद में पाएंगे कि आप एक नए इंसान हो चले, आप पर्सन से पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं, नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर चली गई, आपका जीवन पूरी तरह से बदलता जा रहा है। बस ये थोड़े से प्रयास आप लगातार करिएगा, उसके बाद में आप अपने जीवन में इसके खुद रिजल्ट देखिएगा। आप आराम से अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को मैनेज कर पाएंगे, थिंकिंग को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, एक नया जीवन और इस दुनिया में कुछ बेहतर करने की तमन्नाएं और इच्छाएं आपके अंदर जगी होंगी, आप उन पर काम करना शुरू कर चुके होंगे। कुछ थोड़े से एफर्ट सिर्फ आपको करने होंगे। और यदि बहुत ज़्यादा आप नेगेटिविटी, एंग्जाइटी या डिप्रेशन में फंसे हुए हैं तो हमारा 21 डे ऑनलाइन इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम की हेल्प ले सकते हैं, जो हर दिन अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। दिस प्रोग्राम इज वेरी हेल्पफुल। फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, बट आई एम फीलिंग बेटर देन बिफोर बिकॉज ऑफ दिस 21 डे इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। थैंक्स टू परम सर। माई डियर फ्रेंड, इस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो क्लिक कर जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।